विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सक्रियता बढ़ने को आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदाताओं को बहकाने भटकाने की रणनीति का हिस्सा बताया है। कहा कि अपनी कठपुतली भाजपा सरकार बचाने के लिए आरएसएस सक्रिय हो गया है। संघ इस बात से चिंतित है कि भाजपा सरकार ने 4.5 साल बगैर काम के बिता दिए। लखनऊ में हुई संघ की समन्वय बैठक के जरिए फिर से मतदाताओं को बहकाने की कोशिश हो रही है। दिखावे के लिए कथित सेवा को भी राजनीति में घसीटने का प्रयास है। अखिलेश ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि संघ के निर्णयों से भाजपा की चुनावी दिशा का स्पष्ट संकेत मिलता है। सपा के पक्ष में जनता के बढ़ते रुझान को देखते हुए संघ चिंतित तो हो गया है। 4.5 साल में भाजपा ने जनता को सिर्फ धोखा दिया है। विकास अवरुद्ध हुआ है। गरीब, किसान, नौजवान, श्रमिक, व्यापारी, महिला सहित समाज के सभी वर्गों के लोगों को महंगाई, बेकारी, प्रशासनिक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब भाजपा की नाव डूब रही है तब आरएसएस की शरण में जाने से भी क्या होगा। खुद संघ महानगरों की शाखाओं तक सीमित है। गाँव किसान मजदूर से उसका कोई नाता रिश्ता नहीं है। पथ संचलन के नाम पर सिर्फ सड़क पर उनका डंडा प्रदर्शन ही दिखता है।